हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, ये हम कोई सिलेबस नहीं करने जा रहे हैं, कोई पेपर का पैटर्न नहीं देखने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिजल्ट के बारे में टर्म वन एंड टर्म टू जो कि PSEB बोर्ड का। बेटा, कई बच्चों के मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या टर्म वन टर्म टू के रिज़ल्ट जो बनेंगे वो दोनों को ऐड करके बनेंगे या दोनों के सेपरेट बनेंगे, तो ये हमारी कंफ्यूजन प्लीज़ सॉल्व करना। तो मुझे कई बच्चों के कमेंट आए, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये वीडियो बना के आपकी जो प्रॉब्लम है इसको शॉर्ट आउट कर दूँ। तो ऑलमोस्ट जो है 8th क्लास के बच्चों के आ रहे थे कमेंट, क्योंकि अभी उनके ही पेपर हुए हैं ख़त्म, तो आई थिंक शायद उनका सब्जेक्टिव पेपर में कोई प्रॉब्लम्स आई होगी इसलिए वो टेंशन में है। ठीक है, तो आज मैं आपकी सारी टेंशन को दूर कर दूंगी, टेंशन में बिल्कुल नहीं रहना है। ठीक है, तो देखो बेटा, रिज़ल्ट जो है आपका टर्म वन और टर्म टू का क्या उसमें ऐड होगा, कैसे रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, अभी वैसे PSEB ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किए, बट मैं अपने बिहाफ पे जो बता रही हूँ कि किस तरीके से रिज़ल्ट आएगा वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आई होप ऐसे ही रिज़ल्ट आएगा, और आई होप नहीं, मैं कंफर्म हूँ ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा पंजाब बोर्ड का। ठीक है, इसलिए आप इसमें परेशान मत रहो कि अगर आपका टर्म टू का पेपर अच्छा नहीं गया है तो आपका टर्म टू का अगर अलग रिज़ल्ट आएगा कि क्या कैसे आएगा। चलो, मैं एक मतलब थोड़े से एक स्लाइड के थ्रू मैं आपकी ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ कि रिज़ल्ट आएगा कैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो बेटा, ये आपको टर्म वन और टर्म टू के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रॉपर सारा बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हम सब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर साइंस। ठीक है, हम साइंस सब्जेक्ट ले लेते हैं, और साइंस में आपने क्या है टर्म वन का, मैं क्लास 8th की अभी जस्ट बात कर रही हूँ। ठीक है, 8th और 10th एक जैसे ही है। ठीक है, दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पर जो है टर्म वन आपका जो साइंस का पेपर हुआ तो वो आपका कितना हुआ था, 35 मार्क्स का हुआ था। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। इसी तरीके से टर्म टू का भी आपका कितने का पेपर हुआ, 35 का। ठीक है, मीन्स अगर हम इनको टोटल करें तो आपका कितने मार्क्स का पेपर बन रहा है, 70 मार्क्स का। 10 मार्क्स की जो है आपकी CC और 20 मार्क्स का आपका जो है प्रैक्टिकल, और टोटल आपका क्या रहेगा, 100। ठीक है, तो अब आपका रिज़ल्ट कैसा आएगा, आपका जो रिज़ल्ट है टर्म वन और टर्म टू दोनों अलग अलग शो होगा, और बाद में आपको पूरा टोटल में से मार्क्स आएंगे। इट मीन्स आपकी जो पासिंग देखी जाएगी वो टर्म टू और टर्म वन को ऐड करके देखा जाएगा। पहले ये हो रहा था ना कि टर्म वन का जो है वेटेज कम लेंगे, टर्म टू का वेटेज ज़्यादा लेंगे, ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ तब था जब आपकी एग्ज़ाम नहीं होती। ठीक है, लेकिन अब आपकी एग्ज़ाम हो गई है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको टर्म वन में जितने नंबर मिले थे वो पूरे मिलेंगे, टर्म टू में आपको जितने नंबर मिले हैं पूरे मिलेंगे, और जो आपका रिजल्ट है वो कंबाइन बनेगा। वो कंबाइन ऐसे बनेगा, टर्म वन और टर्म टू दोनों को जोड़ के बनेगा, और 100 आउट ऑफ नंबर आपके सारे शो होंगे कि फर्स्ट टर्म में कितने आए थे, सेकेंड टर्म में कितने आए थे, आपको CC कितनी मिली है, प्रैक्टिकल में कितने मिले हुए हैं, और जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो 100 आउट ऑफ आएगा। ठीक है, आई होप मैंने आपके डाउट को क्लियर कर दिया है। तो अगर और किसी डाउट पे आपको वीडियो चाहिए या और भी आपकी कोई डिमांड हो तो आप मुझे बताना कि आपको मतलब कौन से डाउट्स हैं रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं जल्द से जल्द आपके जो है डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो अगर यहाँ से आपको थोड़ी बहुत भी बेनिफिट आपको इस वीडियो से मिला हो, आपको नॉलेज मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ताकि उनको भी पता लगे कि टर्म वन टर्म टू का रिज़ल्ट कैसा आएगा, और क्या कहते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।